मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादीशुदा प्रेमी से परेशान होकर एक लड़की ने जहर खा लिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि आरोपी संजय गुर्जर ने मृतका को गोहद बुलाया था, जहां उसके साथ मारपीट की गई और बाद में जहर दिया गया। पुलिस ने इस मामले दर्ज कर मामला गोहद पुलिस को भेज दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि JAH में युवती को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले रही है पेन की फैक्ट्री में काम करती थी बोतल की मैं, तो माँ संजय गुर्जर करके ठेकेदार है, तो उससे बातचीत करने लगी वेला पुछला के शादी की झांसा से दिया वो, तो उससे मिलने लगी। तो एक बार हमने वड़ापुर थाने में कंप्लेंट करी, तब वापस आ गई थी, फिर दोबारा चली गई, दोबारा फिर आई नहीं है। उसका फ़ोन आया कि ये मारने लाने दौड़ रहे हैं, मार रहे हैं मैं उसकी, मेरे पास ऑडियो भी है, फ़ोन लगाया था उसने कहा बचा लो, यहाँ से हम बच नहीं पाएंगे, मार देंगे ये से है। दो तीन साल से अल्लाह की बातें चल रही थी, पता नहीं क्या है। तो फैक्ट्री में काम करते संजय गुर्जर है, उसके भैया का नाम बड़े वाले का रिकॉर्डिंग में धर्मवीर गुर्जर, कैसे मारने की धमकी दे रहे हैं, पता नहीं जहर खिला दिया क्या कर दिया। फ़ोन आया छोटी बहन का मेरे पास, क्या भाई मारने के लिए घूम रहे हैं, बचा लो, मैं यहाँ पे आ गए। आज जो है JAH हॉस्पिटल चौकी जो कंपू थाना क्षेत्र में जो है एक गोहद से एक इलाज के लिए युवती को लाए थे, उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था और जहाँ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई। उसके परिजनों का एलिगेशन है कि एक जिसके साथ वो रह रही थी उसके द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया और उसके कारण उसने जहर खाया। इस संबंध में मर जीरो पर मर कायम किया गया और गोहद थाने ट्रांसफर किया गया और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।